हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पिदाहन एंड यू आर वाचिंग सिविल इंजीनियरिंग बेसिक फॉर यू। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर है एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल बटन दबाना नहीं भूलिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द मिल सके। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि स्लम टेस्ट किस तरह किया जाता है। जब हमारे पास साइट पर कंक्रीट पहुँच जाती है तो इस्तेमाल होने से पहले हम उसका स्लम टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बूम भरा जा रहा है और इसमें राडिंग हो रही है। और ये राडिंग भी टू स्टेप में होती है, एक क्लॉकवाइज होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसमें अच्छी तरह राडिंग करके इसका सरफेस लेवल करके इस बूम्स को उठा दिया जाता है। दोनों साइड से पकड़ के लेवल में पकड़ के उसको उठा दिया जाता है, जैसे आप उसको नज़र आ रहा है। और फिर इस बूम को उल्टा रख के इसके टॉप पर राड रख दिया जाता है और इंच टेप से इसकी पैमाइश की जाती है। ये स्लम टेस्ट हमारे पास अभी क्योंकि ज़्यादा है, वो है क्योंकि हमारे पास पायल की भराई का काम शुरू है। तो पायल में जब माल जाता है तो ट्रिमी के ज़रिए माल जाता है, तो उसमें माल थोड़ा अगर ज़्यादा सख्त हो तो जाने में रुकावट होता है। इसलिए अगर ये थोड़ा ज़्यादा होता है तो कुछ मसला नहीं करता। तो अभी स्केल के ज़रिए इसकी पैमाइश हो रही है। तो ये रीडिंग अभी रॉड के बॉटम से लेकर कंक्रीट के टॉप तक लिया जाता है। तो ये अभी हमारे पास 180 mm तक आया हुआ है और डिज़ाइन में हमें 170 तकरीबन दिया हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर तो पायलिंग के काम में अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं करता। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि स्लम टेस्ट किस तरह किया जाता है। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।